एट योर होम? आई एम एट होम। या ये इधर चार बंगला कोकिलाबेन हॉस्पिटल के पास। ओहो, ओके ओके कूल। सो वी आर लाइव। सो हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। दिस इज योर होस्ट शिवम शर्मा। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, बाद में देखने वाले हैं, हमारे साथ में स्ट्रीम पर जो एक इंसान जुड़े हैं आज, वो बहुत ही खास हैं। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी हम्बल, ही इज द वन एंड ओनली ताहा शाह। वेलकम टू द स्ट्रीम ताहा भाई, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आई एम ग्लैड टू बी हियर विद शिवम। एंड बहुत अच्छे हेडफोन्स पहन रहे, लुक्स लाइक यू आर गोइंग टू सम मैट्रिक्स वर्ल्ड। राइट, इट्स लाइक आई एम ड्राइविंग अ हेलीकॉप्टर। ओके, आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू। मैंने आपका इंटरव्यू देखा जहां आपने कहा था कि आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, और फिर एक्टिंग आपका प्लान नहीं था करना, तो ये शुरुआत कैसे हुई? एक्टिंग में आप घुस कैसे गए? तो मैं जब मैं दुबई में था तो कॉलेज कॉलेज से मैं एक्चुअली मेरी मम्मी जो है वो शी इज अ सिंगल मॉम। आई वाज मेंशनिंग दैट शी इज अ सिंगल मदर। एंड मेरे बड़े भाई जो थे वो कनाडा में थे, एंड और मैं ही था वहाँ पे दुबई में मम्मी के साथ। तो उनको इतना काम मैं देख रहा था करते हुए, तो मैंने सोचा कि भाई मैं मस्ती खोर हूँ, मैं बाहर जाता रहता हूँ, मजे लेता हूँ, अपना अपना गाड़ी है, मम्मी ने खुद मेरी गाड़ी मुझे दिला दी। यानी मैं आई वॉज इंजॉइंग लाइफ, एंड मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कुछ ज्यादा इंजॉय कर रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फुल स्टॉप डाल देते हैं ये सब बचकानी हरकतों को, और मैं मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प कर दूं। तो वहां से मेरी बिजनेस की जर्नी शुरू हुई। पर साथ साथ में जब मैं 17 साल, नहीं 16 साल का था, तब मैंने थोड़ा बहुत मैंने मैंने मॉडलिंग शुरू की थी दुबई में। तो मैंने एक अजीब और गरीब फोटोशूट की, बहुत ही गंदा है, अभी मैं तो देख के मैं थू थू करूंगा, बहुत ही गंदा था। पर फिर भी वहां से मुझे एक पहला काम मिला 2 4 5 महीने बाद। मुझे एक एक काम मिलता था कुछ 4 5 महीने बाद। तो 3 साल में मैंने कुछ 6 या 7 प्रोजेक्ट्स किए वहां पे। पर जब भी मैंने वो प्रोजेक्ट किए भाई, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं जब यानी शूट एक्सटेंड भी होता था तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती होती थी। मुझे मुझे एक्चुअली शौक था कि मैं सेट पर हूँ, वहां पे कुछ करूं। तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे एक्टिंग का तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे बस शौक था कि मैं स्क्रीन पे आऊं, कि यू नो कि मैं वहां पे दिखूं। जब मैं सिनेमा जाऊंगा तो मुझे मैं वहां पर कुछ करूं स्क्रीन के ऊपर। तो वो मैं हमेशा सोचता था कि मैं करूं। पर दुबई में क्या करोगे यार, बॉलीवुड कहाँ है, हॉलीवुड कहाँ है, अब दुबई में तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। राइट, तो मैंने जब मम्मी को कहा कि मुझे ज्वाइन करना है न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जो अबू धाबी में था, तो मम्मी ने ये एक्चुअली 3 साल जब मैं काम कर रहा था, तो उसके बाद मैंने पूछा, तो मामा ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें करना है तो कर लो। पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने 2 3 हफ्ते तक मैं बैठा ही था घर पे। मैं बोला छोड़ दो भाई, नहीं कर रहा, मैं पागल हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, ओके ठीक है। ओके, तो मम्मी ने पूछा मुझसे 3 हफ्ते बाद कि क्या हुआ। मैंने बोला नहीं, आई एम स्टूपिड, आई डोंट नो के एक्टिंग व्हाट लाइक, आई डोंट नो, I'll be okay. Then she's like no. तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के मुझे वो गाड़ी में बिठाया, 2 घंटे शारजा से अबू धाबी चलाया, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी गए, वहां पे मुझे रजिस्टर कराया, मुझे फिर डॉर्म में छोड़ा लड़कों के साथ, और बोला कि मैं वापस जाके मैं कल आऊंगी अब तेरा सामान के साथ और खाने के हाउ साथ। स्वीट, तब तक कोई नहीं थे। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी ब्रो। सच अ स्वीट स्टोरी भाई। बट जैसे कि आपने कहा कि आपकी मॉम ने आपको जबरदस्ती आपके कहने के बाद आपको वहां पर एडमिशन दिलवाया, एंड देन एवरीथिंग वॉज सेट, उसके बावजूद भी बॉलीवुड में आना इज नॉट ईजी, बिकॉज वी नो कि कितनी मुश्किलात आती हैं, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। बट आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू कि कितना मुश्किल था आपके लिए यहाँ का सफर, यहाँ की जर्नी, बिकॉज योर फर्स्ट फिल्म, जब ऑलमोस्ट 10 साल आपको, योर और डेकेड ओल्ड इन बॉलीवुड, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू सर्वाइव योर, एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट टू प्लीज द यूथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ? ये हमारी हमारी यूथ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रगल पार्ट ऑफ इट। एवरी डे इज अ स्ट्रगल ब्रो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल हो गया। आप ना आप टॉप पर भी रहोगे ना, आप कोई भी हो, आप अपने करियर के टॉप पर भी रहोगे तब भी स्ट्रगल ही है, क्योंकि वहां से आपको कहीं और जाना होता है। तो इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल, स्ट्रगल नेवर एंड्स, पर जब खुदा मेहरबान होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो That's true. यू जस्ट वेट फॉर दैट वन मोमेंट, दैट वन रोल, जब जब काफी दुआएं के बाद आपको जब वो जब रोल मिल जाता है जो आपको एक
नए मुकाम पे पहुंचा देता है। सो वो सब सब इंतजार कर रहे हैं उस मौके का। मैं भी हर प्रोजेक्ट के बाद एक दूसरे मौके का इंतजार करता रहता हूँ। सो द स्ट्रगल इज ऑन, हसल इज ऑन। इट्स नॉट, आई वुडन्ट से इट्स ईजी, बट आई वुड से कि इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग पॉजिटिव एंड इट्स वेरी इजीली सेड कि पॉजिटिव रहो, ऐसा बोलने के लिए तो बहुत आसान होता है, पर बट आई टेल यू हाउ टू हाउ आई मेक माई सेल्फ पॉजिटिव प्लीज। सो बींग पॉजिटिव व्हेन आई स्टडी, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैंने जिंदगी में इतना पढ़ाई नहीं की जब मैंने, पर जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं एक्टिंग, अभी मैं यहाँ पे सारी किताबें हैं मेरे सामने तो, और मैंने सारे पढ़े और मैं पढ़ता ही रहता हूँ। तो आई फील दैट स्कूल में मुझे यानी बी या सी के ऊपर कभी मिला नहीं है भाई, ठीक है। तो पर यहाँ पर मुझे यानी आई एम सो पैशनेट कि मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे जितना भी आप पैसे दो ना भाई, मैं तब भी मैं जो आज कर रहा हूँ, जो अभी मैं यानी दिन के हर दिन जो मैं मेरा रूटीन है, जो मेरा स्केड्यूल है, मैं तब भी वही करता, और मुझे लाखों भी मिल जाए ना, करोड़ भी मिल जाए, तब भी मैं वही करता। सो आई एम वेरी लकी कि आई एम हैप्पी इन माई रूटीन, राइट? एंड दैट इज व्हाट द लॉन्ग टर्म प्रोसेस इज। सो दैट इज अ स्ट्रगल टू बिल्ड अ रूटीन दैट यू कैन रिलाई ऑन, दैट व्हाटएवर हैपेंस यू कैन गेट बैक टू योर रूटीन एंड यू आर हैप्पी देयर, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सटर्नल, यू आर लुकिंग फॉर व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू, हाउ यू कैन गेट बेटर। सो हाउ आई इन द लास्ट 10 इयर्स, you know, it's a, like you said, Bollywood is a very Bollywood, any industry, yeah, it's a difficult place to be, and lots of people come here. According to statistics, almost 800 people a day, correct, come here in a day, and it's crazy, and the amount of rejection that we face also is crazy, right. Har din aapko rejection milte rehte hain. I feel that it's very important ki jo main karta hu, main apne aap ko तराशने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी कमजोरियाँ क्या है। मैं देखता हूँ कि मैं जैसे जब मैं पहले आया था तो मुझे हिंदी नहीं आती थी, ठीक है, तो वो मेरी पहली कमजोरी थी। तो अब मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं तो अभी हिंदी इज नॉट द ऑब्स्टिकल, अभी व्हाट्स नेक्स्ट। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अलग कैसे बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक्शन कर लेता हूँ। मुझे एक्शन का शौक था, मैं पार्कूर करता था पहले जब मैं छोटा था दुबई में, अबू धाबी में, तो मैंने सोचा कि मुझे एक्शन का शौक है तो मैं एक्शन सीखता हूँ। तो आज मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि मुझे लगता है कि जो मैंने इतने साल की जो मेहनत थी, जो पहले साल में ऐसे लगे कि भाई छोड़ देता हूँ, मैं क्या पागलपंथी कर रहा हूँ, हर चीज, हर पुर्जा टूट रहा है मेरे अंदर, पर मैंने 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 गिवअप नहीं किया यार। Wow. मैंने काफी लोगों को देखा है, वो आते हैं वहां पर इंजुरीज बहुत होते हैं आपको, अगर एक्रोबैटिक या जिमनास्टिक या टाइकोंडो करते हो, इंजुरीज बहुत होते हैं। मैं अभी भी, मेरे एल्बो में इंजुरी है, मेरे घुटने में एक इंजुरी है, पर यू हैव टू कीप गोइंग, क्योंकि दैट इज, यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ टू बींग समथिंग डिफरेंट। सो आई स्टार्टेड विद दैट, उसके बाद फिर डांस हुआ, उसके बाद टाइकोंडो हुआ, उसके बाद ये हुआ, वो हुआ, अभी गिटार सीख रहा हूँ, स्केचिंग सीख रहा हूँ। So you know, you just keep enhancing yourself. कि जब वो मौका जब आए ना भाई, तो आप, you are ready. ऐसा नहीं है कि वो मौका आए और आप prepared नहीं हो उस मौके पर। जैसे अभी समझ लो कि किसी ने casting call में बोल दिया कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास action skills हो या dance skills हो, और आपके पास ना हो, तो आप क्या करोगे? तो आपके इतने opportunities आपके खत्म हो जाते हैं। तो आप अपने आप को इतना इतना prepare करो कि जब वो मौका आए ना भाई, तो आप वो छक्का मारो उसके ऊपर। दैट इज द गोल ब्रो, एंड दैट इज हाउ आई हैव सर्वाइव्ड। एंड आई फील द यूथ, लाइक यू वर आस्किंग, व्हाट इज इट इजी टू प्लीज द यूथ? आई डोंट नो इफ इट्स, आई डोंट थिंक इट्स इजी, और यू शुड टेक द यूथ फॉर ग्रांटेड, और द ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। द ऑडियंस विद द, यू नो, जब से OTT प्लेटफॉर्म्स खुल गए, नेटफ्लिक्स आ गया है और यूट्यूब भी आ गया है, तो आप किसी भी कंट्री के कोई भी फिल्म उठा के आप देख सकते हो, राइट? यू नो, और आपको इतना आपको नॉलेज है अभी, फ्री है। आप यूट्यूब पे जाओ, आप तो फुल PhD कर सकते हो हर कोर्स पे भाई, सब कुछ फ्री है, बिल्कुल सही बात। एंड विद सच अपॉर्चुनिटीज, अगर हमने उसको सही तरह से इसके इस्तेमाल नहीं किया, अभी जैसे देयर इज गुड स्क्रीन टाइम एंड बैड स्क्रीन टाइम, राइट? इफ यू हैव गुड स्क्रीन टाइम एंड आप पढ़ाई कर रहे हो, आप यूट्यूब को इस्तेमाल करो, आप इंस्टाग्राम को भी यूज कर रहे हो, आप
या तो आपको अपने आप को पुश करने के लिए, पर अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर, देन इट्स योर फॉल्ट. यू नो ऑल दीज प्रिविलेजेस दैट वी ऑल हैव, वी हैव टू यूज इट एफिशिएंटली. एंड आई फील दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव बैक टू यूथ, इज दैट आई वांट टू बी अ पर्सन दैट दे लुक अप टू एंड 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 दे से कि भाई यू नो अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ. right. ना क्योंकि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, कोई टैलेंट नहीं था. right. मैंने हर चीज जो भी है आज आई हैव वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट एवरीथिंग, टू गेट एवरी स्मॉल टैलेंट, टू मेक इट अ स्किल. आई हैव इन्वेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ आवर्स और मैं काउंट करता हूँ भाई, हर चीज मेरे स्केड्यूल पर है. wow. आज तक पिछले चार साल से मैंने अभी मैंने अपना ट्रेनिंग का स्केड्यूल बनाया, तो मैं नंबर डालता हूँ कि अगर आज मैंने समझ लो मैंने स्टार्ट किया था वो जीरो था, तो दो दिन के बाद फिर अगर मैंने 2-3 घंटे वर्कआउट किया तो मैं 3 डाल देता हूँ, उसके बाद okay. फिर और 2 घंटे नेक्स्ट डे तो 5. तो नाउ आई हैव टच्ड 6,000 hours. वाओ वाओ राइट, टच 6,000 hours एंड आई काउंट दैट फॉर एवरीथिंग दैट आई डू, एवरी बुक दैट आई रीड इट गोज डाउन इनटू अ नंबर, सो दैट व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि भाई कुछ तो हासिल किया है, नंबर्स तो है भाई, मैंने काम तो किया है. ठीक है, तो सो या आई मोबाइल आई शो यू प्लीज डू. सो वेयर वाज वर्क, आई विल टेल यू व्हाट इज इट, ट्रेनिंग. आई ट्रेवल एज ट्रेनिंग. दैट्स अ ब्यूटीफुल, या द ब्यूटीफुल थिंग भाई, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कई बार एक लक होती है, एंड विल स्मिथ वंस सेड दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, लक इज व्हेन अ टैलेंट मीट्स एन योर अपॉर्चुनिटी. एंड आप में टैलेंट है, आपने काम किया है, वो बस अपॉर्चुनिटी को मिलती है, वो काम ब्यूटीफुल बन जाता है. सो दैट दोस पीपल स्पीक द ट्रुथ मैन, यू नो देयर इज नो व्हाट्स इट कॉल्ड, देयर इज नो टू वेज टू हार्ड वर्क इन द यूएस. आई हैव आल्सो आई हैव बीन टू द यूएस, आई हैव वर्क्ड, आई हैव डन 2 हॉलीवुड फिल्म्स, एक आने वाली है आपको बाद में बताऊंगा, पर यू नो ओवर देयर इट इज नॉट ओवर देयर एनीवेयर, द पॉइंट इज दैट यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क. दैट्स ट्रू. There is no, like, for me, my biggest example is, for me, I mean, I love Will Smith. I look at his videos. I look at Arnold's videos. If you look at Kobe Bryant, man, the Mamba mentality, bro. Mamba mentality. Right? Mamba mentality. He's crazy. And just look at his work ethic. Look at his, I've read books on him. I've read about his coaches. His same coach was teaching Michael Jordan as well. Wow. You can just look at these legends and how they work, and it's, you know, and I my personal favorite, Jackie Chan, bro. Agar aapne Jackie Chan pichle saal hi uska ek kitab aaya tha, agar aapne wo padha hai, nahi padha to padh lo. You know, usme ek main aapko ek kahani batata hu. To usme ek usne kaha tha ki, you know what happened to him, right? When he was young. So he was basically, so his parents were very poor. ठीक है, तो दे डिडंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हिम एंड ही वाज वेरी प्लेफुल, तो ही नेवर यूज्ड टू स्टडी, तो दे टुक हिम टू दिस वन स्कूल कॉल्ड द ओपेरा स्कूल, जहां पर आपको सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, मार्शल आर्ट सिखाते हैं. तो वहां पर जो सेंसे होते हैं, जो टीचर होते हैं, उन्होंने वहां पर आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि एक बच्चे को अगर आप उस स्कूल में डालोगे तो या तो 3 साल, 5 साल, 8 साल या 10 साल के लिए आपको रखना पड़ता है. ठीक है, एंड और उसको आप निकाल नहीं सकते. बेसिकली यू हैव साइंड योर चाइल्ड एज अ प्रॉपर्टी टू द टीचर. द टीचर कैन डू व्हाटएवर, कैन इवन किल हिम. ओके ओके, दैट्स व्हाट दे से इन द एग्रीमेंट. यू कैन किल द किड एंड दे कांट डू एनीथिंग. ओके ओके, एंड दे आस्क्ड जैकी, ही वाज ओनली 6, दे आस्क्ड हिम, ही वाज सीइंग एवरीबॉडी प्लेइंग, डूइंग मार्शल आर्ट्स, ओके हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्टे हियर, एंड ही इज लाइक आई वांट टू स्टे हियर फॉरएवर. राइट, तो फिर ठीक है, उन्होंने 10 साल के लिए साइन ऑन कर दिया. ठीक है, उसको पता नहीं था कि भाई 5 बजे उठना पड़ता है, 11 बजे तक मेहनत करनी पड़ती है रात तक, फिर आपको 6-7 घंटे का नींद मिलती है, फिर आपको वापस शुरू करना पड़ता है वापस एवरी डे. ओके, उसको ये नहीं पता था, ही वाज जस्ट सेइंग ओके ये लोग खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलना है. ठीक है, तो ही फेल इनटू दैट, एंड वन डे आफ्टर 2 years ही सेड, व्हेन ही वाज अबाउट 10 समथिंग, ही सेड, ही केम टू द टीचर एंड ही सेड, सर आई एम सिक, कैन आई टेक अ डे ऑफ प्लीज, कैन आई गो टू द मेडिकल और नर्सरी. Right, he said, "Acha, you're sick. Come." So he takes him. He makes everybody sit down, and he tells the teacher, tells everybody, "Jackie is sick," and they're like, "Okay." And then he's like, "Jackie, do 100 flying right kicks, 100 left flying kicks, 100 left snap kicks, and 100 right snap kicks." Oh God. After he finished that, after 2 hours, he said, "Are you sick?" Jackie said, "No, I'm not sick."
And he said after that, nobody fell sick for the next 7 years. Nobody fell sick. Wow. Such you a know what I mean? So that's mentality, bro. It's the mentality. You know, all that we are lazy, and I feel that our youth has so much potential that we should, that you know, that I want to hopefully be that person that can at least motivate one person in their life to, you know, to push all bounds, man, to bear all the pain, but you know, never give up, man. Just never give up and just believe. Because when you put in that effort, automatically you start believing that things will happen. Right. That's a very wise story by you. By the way, hum live hain is waqt. Bahut log hame dekh rahe hain. They are telling you, hi, please give us the Zoom link when we want to join. To bas ek bar un sabko ek bar hi kar do, greet kar lo ek bar, please. Aapke fans hain. Hello. Agar mere screen pe to kuch bhi nahi aa raha, par wahan pe aa raha hai, to main sabko hi, hello. I hope ki main aapko bore nahi kar raha hu, aur agar kar bhi raha hu to I'm sorry. But I feel ki jo bhi dekh raha hai, if you guys can, you know, find your dream, find your passion. You know, bahut se kam log hote hain jo khush naseeb hote hain jinko apna passion mil jata hai ek umar mein, aur zyada khush naseeb wo log hote hain jo ek kam umar mein unko passion mil jata hai. So luckily that's you. So that is fantastic, man. That's a knock wood man. So it's, I'm glad ki, you know, that you're following your passion, I am following my passion, right. And if everybody can follow their passion, it's going to be beautiful, man. And by the way, jitne bhi log dekh rahe hain, agar aapke mann mein koi sawal ho jo aap chahte ho ki main poochu Taha bhai ko, to please yaar bhejo apne sawal, and the top question I will ask to Taha bhai, and he will give you the answers right on spot. I want to ask, because I'm a big fan, I have the massive crush, the biggest crush on Shraddha Kapoor. Bahut bada fan hu main unka. I've met her once at her house and I was very lucky, but फोटो नहीं हो पाई उनके साथ में मेरी, बट आपने एक पूरी फिल्म की है, यू स्पेंड सो मच टाइम विद हर, एंड प्लीज टेल अस यार कि कैसा था एक्सपीरियंस, एंड टेल अस वन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट हैपेंड बिटवीन यू ऑल ऑन सेट ऑफ सेट, प्लीज कुछ बताओ हमें. ये तो डेकेड पुरानी बात है, जब हम लोग सेट पर थे, उसके बाद हम तो सिर्फ इवेंट्स में मिलते हैं, बट आई फील दैट एक कहानी हमने, मुझे याद है जब हम लोग एक सीन था वहां पे जो उसको मेरी गाड़ी तोड़नी थी, तो यू नो उस टाइम पे इट वाज वेरी, यू नो आई थिंक इट वाज 4 o'clock इन द नाइट, हम लोग शूट कर रहे थे एंड 5:15 हो गया था, और मुझे एक बड़ा सीन करना था, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे. ओके, सो आई रिमेम्बर हाउ श्रद्धा वाज रियली, यू नो शी हरीड अप एंड शी ब्रोक द कार रियली क्विक, शी लाइक, you know, she wanted ki dono ka kaam ho jaye, mera aur uska, so she was really doing her best, and that's what I like about her. I feel that she's always even at that time, she's a very chilled out person. She taught me a lot of things when I first came up, because she was she knows a lot about the industry, and she taught me the loopholes, she taught me as an actor what I should expect, or what I can, if I don't have something, what I can ask for and what I shouldn't ask for. So she's always helped me as a friend. So that is one story. I remember we were practicing, ek hum log apni vanity van mein, ayo, jo climax ka scene tha. So hum log ne bahut practice kiya tha wo. We were sharing the same vanity in two rooms, and we were working on it. So she's great, man. She was always good to work with, and always good somebody to learn from, and she was always open to suggestions. That's what I like. She never had any ego as such, and I whenever I meet her, I still don't think she does. It's a fan question yahan par jo aaya hai. Aryan is asking you, Aryan pooch rahe ki abhi aapne bataya ki, even this was my question but Aryan ne bhi pooch liya, he's asking you ki abhi aapne bataya ki you are doing a Hollywood film that's going to release soon, to please uske bare mein kuch batao. तो ये फिल्म जो है उसका नाम है 88 की सलूट. ओके, 88 की सलूट इसलिए क्योंकि मैं एक पियानिस्ट का किरदार निभा रहा हूँ, एंड इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, एंड द स्टोरी इज बेस्ड इन द 1980s इन द कोल्ड वॉर. ओके, और ये फिल्म जो है मैं एक पियानिस्ट प्ले करता हूँ जिसके हाथ जल जाते हैं. ओह गॉड, ठीक है, तो वो बजा नहीं पा रहा है. तो वो एक टीचर बन जाता है, और उसको एक स्टूडेंट मिल जाती है जो बहुत ही बेहतरीन है,
पियानो में, शी इज अ प्रोडिजी इन पियानो, और उसको वो अपने अपने क्लास में लेकर, अपने पर्सनल ट्रेनिंग में लेकर उसको एक साल के लिए वो सिखाता है. उस दौरान उनका जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आपने अगर आपने अगर अभिमान देखा हो या तो सुर देखा हो, ऐसी जो कहानियां हैं, अगर आपने विप्लैश देखी हो, आप तीनों को मिलाकर आपके जो दिमाग में आते हैं ना, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर जो बहुत डिमांडिंग होता है उसके ऊपर, पर वो एक नेचुरल टैलेंट, एक नेचुरल फ्लावर जैसी है, और मैं उसको ना, मैं आई किल इट, आई बेसिकली डिस्ट्रॉय इट, एंड इट्स अबाउट हाउ वी ग्रो आउट ऑफ दैट एंड हाउ वी बोथ कम बैक टू म्यूजिक. एंड ब्यूटिफुली शॉट, वी शॉट इन शिकागो, दे शॉट, वी शॉट लंदन, आई मीन जर्मनी. And hopefully, man, कि इस साल आ जाए. अभी पिछले साल शूट किया था मैंने लॉकडाउन से पहले, तो अभी इस साल आ जानी चाहिए. And we are awaiting for that, and I'm sure कि वो जो फिल्म आएगी ना, you're gonna rock in it. जाने से पहले, I want to ask you about COVID, because you're also in Mumbai, we are also in Mumbai, and in fact, we are in India. पूरे इंडिया में जो COVID को लेके ना बहुत ही like not बुरा माहौल फैला हुआ है, बहुत लोग अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत लोग जाने जा रही हैं. सो इफ आई हैव टू टेल यू कि जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्हें एक मैसेज दो कि वट एवर इज गोना हैपन टुमारो इज गोना बी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. तो क्या मैसेज होगा आपका जो अपने फैंस को देना चाहोगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि डोंट लिव इन फियर, क्योंकि द पॉइंट इज कि रोड क्रॉस करते करते भी कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज नॉट समथिंग टू फियर. Life will come and life is going to go. Nobody can stop that. But being happy and being following your dreams and trying to change or trying to help somebody else, I think it's very important in such times ki hum ek dusre ki madad kare. You know, charities hain. Aap agar aap donation de sakte ho to please do. Maine di hai. Maine khud apne kuch doston ko help kiye hain. You are also the cause ambassador of Find a Bed, if I'm not wrong, right? तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए. One of them. Yeah, please बताइए उसके बारे में. I think it's a good opportunity to what you call if anybody is in trouble, and you know as they find a bed की तरह बहुत सारी facilities हैं. If there's a website or something, then I can like or I can send you or I can ask somebody to send you the details. But मैं हमेशा try करता हूँ कि अपने Instagram page पर भी मैं जो भी information मुझे मिलती है, जैसे वैक्सीन के ऊपर एक, अगर आपने एक ऐप देखा है, इट्स कॉल्ड टेलीग्राम, जो काफी लोगों को पता है पर कुछ लोगों को नहीं भी पता है. सो देयर इज लॉट्स ऑफ अपडेट्स फॉर वैक्सीनेशंस. लाइक आई सेड, गो टू फाइंड माय बेड एंड आल्सो ट्राई एंड सी इफ यू नीड इट, अगर आपके दोस्तों को चाहिए या उनकी फैमिलीज को चाहिए. बट राइट नाउ आई फील द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर, एटलीस्ट बॉम्बे में मुझे लगता है कि सिचुएशन इज गेटिंग अ लिटिल बेटर. बस दुआ है कि अगले महीने सब शुरू हो जाए, सब लोग काम पे लग जाए, क्योंकि मैं जब मैं बाहर जाता हूँ और जब मैं सुबह मैं ड्राइव करता हूँ यहाँ पे टास्क के बाद या ऐसा कुछ, जब मैं ड्राइव के लिए या वॉक के लिए गया हूँ, तो वहाँ पे ना मुझे साइड पे कुछ लोग यानी एक अंकल और आंटी मुझे दिखाई देते हैं हमेशा. एंड इट्स वेरी सैड, क्योंकि वो हमेशा ना एक एक ही किस्म के सब्जी जो है वो अपने पास रखते हैं. Every day they sell only one kind of vegetable. Or jo wo bechenge na wo wahi jo paise milenge wahi khayenge uske saath. You know, and at such times it's very difficult for them. So if anybody sees anybody in problem, anybody is buying, or any, sorry, you see anybody on the road that you can help, this is the time to help out people. And I request you, whoever is listening, do one good deed a day, and that's all we need to do. थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. यू आर वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट मैन आई हैव एवर इंटरव्यूड, एंड प्लीज टेल बिफोर यू गो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टॉकिंग टू अस. भाई, आई थिंक दैट इट वाज ग्रेट. आई लव योर पर्सनालिटी एंड यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड आई फील दैट ये हमारी पहली मुलाकात है, तो इसके बाद छुट्टी नहीं चाहिए, हर महीने हम लोग. Not the last. Yes. And I hope, I wish you all the best, brother. I wish you that you pursue your dreams and you become very successful. And I will see you on the top. Thank you, bhai. And I'm sure ki mujhe bhale samay lag jaye, but aane wale kuch samay mein, like jo aap bol rahe ho, aapke projects, aapki mehnat, you're gonna be on top very soon, bhai. And thank you so much once again. Be safe. And it was lovely to have you on Viral Bollywood. Thank you so much. Good afternoon, bhai. Good afternoon. सो दैट वॉज तहा शाह दोस्तों. और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपको हमारा पीछे का सेटअप जो है
वो अच्छा लग रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है वायरल फिल्म्स ने। वहां पर दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल लगाइए, आपके एक कॉल पर वायरल फिल्म्स विल अरेंज इट ऑल फॉर यू। आपका कॉर्पोरेट इवेंट हो, जूम मीटिंग्स हो, बर्थडे पार्टीज, वेडिंग फंक्शंस और एनीथिंग, एनी प्रमोशनल इवेंट्स, एक कॉल लगाइए एंड वायरल फिल्म्स विल सॉल्व इट ऑल फॉर यू विथ A++ क्वालिटी। एंड दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, सेफ रहो, डिस्टेंसिंग।